ओम शांति। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में जनवरी मास के 14 तारीख को मनाया जाता है। कहा जाता है सूर्य के पथ चलन के अनुसार सूर्य अपने पथ बदल देते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह धन राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पे खिचड़ी, पोंगल, तो उत्तरायण आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन काले तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। तिल माना हम सब आत्माएं, और गुड़ जैसा मीठा बोलना है, इसलिए गुड़ और तिल का लड्डू बनाते हैं, तिल गुड़ बांटते हैं। तो मुझे भी छोटी तिल कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म छोटा होता है, तो हम आत्माएं भी बहुत सूक्ष्म छोटी हैं। तो हमें अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है, कनेक्शन करना है, और गुड़ जैसा मीठा बोलना है। वो मीठा जब हम बोलेंगे, प्रेम रखेंगे, तभी हम गुड़ और तिल का महत्व हम जान पाएंगे, बता पाएंगे। और खिचड़ी खाने और खिलाने का, दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यह संक्रांति हमें आपस में भाईचारा, प्रेम से रहना सिखाती है। यह संक्रांति हमें आपस में जुड़े रहने का संदेश देती है। इसीलिए इस दिन आपने देखा होगा पतंग का बहुत महत्व है। जैसे बिना डोर के पतंग नहीं उड़ सकती है, यानी कि डोर का कनेक्शन होना जरूरी है, ऐसे ही हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा से जब अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ, वो गुण आने लगते हैं, और हम भी हल्के हो जाते हैं और ऊंचाई तक उड़ने लगते हैं। तो हमें भी उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहना है। परमात्मा हमें जुड़ने का संदेश देता है, तो हम तभी हम सच्ची मकर संक्रांति मना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।